दोस्तों, जैसे हमने कल बात की डॉक्टर रोशनी पारेख से, जो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काफी टाइम से अपनी सेवा दे रही है और वो बहुत ही एक जाना पहचाना नाम है सूरत में और साउथ गुजरात में। उन्होंने सूरत, गुजरात एंड आउट ऑफ गुजरात यूएई से भी जो भी बच्चे हैं जो डिसेबल है उनके लिए काफी कुछ सेवा की है। तो एक ये पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये बच्चे जो डिसेबल है वो एक बार ट्रीटमेंट होके उनके पैरों पे खड़े तो हो गए, पर उनके एजुकेशन रिलेटेड हम बात करेंगे। वो आगे चल के क्या काम करेंगे, क्या जॉब करेंगे, किस प्रोफेशन में जाएंगे या वो क्या करना चाहते हैं। तो उनके पैरों पे तो हमने उनको खड़ा कर दिया, बट अब हम उन्हें एजुकेट भी करेंगे। तो एजुकेशन रिलेटेड जो है वो भी इसी जगह पर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो ना के सिर्फ बच्चों को ट्रीटमेंट देता है, वो उनको एजुकेट भी करता है। तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज दोनों है, तो हम इसके रिलेटेड बात करेंगे। अब हमारे चहेते और जाने माने सूरत की एक जो पर्सनालिटी है जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, वैसे हमारे डॉक्टर कनुभाई टेलर से, उनसे हम जानेंगे ये ट्रस्ट पर हमने कितने बच्चों को एजुकेशन दिया हुआ है और उनका क्या थियरी है और क्या फिलोसॉफी है। इनके साथ ही हम आपको बताएंगे उनके जो अब तक के जो पिछले 20 सालों से उन्होंने जो अचीव किया है वो हम आपको शेयर करेंगे। दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही नहीं है, ये एक हम चाहते हैं कि डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है, जो डिसेबल बच्चे है जो इंडिया में काफी सारी जगह से यहाँ पर ट्रीटमेंट ले चुके हैं, पर काफी सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि ये मूवी हमारी जो भी देख रहा है, जो जिनको ये अच्छी लगे, वो अपने आसपास पड़ोस में कोई भी ऐसा डिसेबल बच्चा हो जो पैसा खर्च ना भी कर सके तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सेवा होती है, तो उनका ये बेनिफिट ले सके। तो अगर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद अगर कम से कम हमने 10 बच्चों को भी एजुकेट कर दिया और ट्रीटमेंट कर दी, तो बींग ए डायरेक्टर हमें ये लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, तो आज हम मिलेंगे डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर। नमस्ते सर। आज हम आपसे ये एक चीज जानना चाहेंगे, जो ये आप ट्रस्ट चला रहे हो, जो हम देख रहे हैं और जो हमने नीचे भी देखा, तो ये कितने साल से आप चला रहे हो और कब से? वैसे तो आपको सब जानते ही है, सूरत में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको सब जानते ही है, पर फिर भी हम एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप ये कब से चला रहे हो और आपकी थोड़ी सी जर्नी हम जानना चाहेंगे। पहले से तो आपका दर्शक मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये दिव्यांग बच्चों की स्कूल 97 में 4 बच्चों से चालू किया था और आज मुझे बताते खुशी होती है कि यह संस्था समग्र भारत में बहुत विश्वसनीय और बहुत नेक काम करने वाली एक संस्था दिव्यांगों के लिए बन गई है। आज 20,000 से ज्यादा दिव्यांग लोग ये संस्था के कोई न कोई रूप में हेल्प ले चुके हैं। यहाँ 1-12 दोनों की स्कूल है। पूरे देश में दिव्यांगों की BCA कॉलेज फर्स्ट टाइम चल रही है। यहाँ विकलांगों को, दिव्यांगों को लिए हॉस्पिटल है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए फ्री ऑफ चार्ज में आते हैं और फिजियोथेरापी करने के बाद वो दिव्यांग चलते हुए घर पे जाते हैं। हम एक भी पैसा लेते हैं। यहाँ दिव्यांगों की ITI भी चल रही है, दिव्यांगों के तालीम सेंटर भी है, स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र भी है और पूरे विश्व में दिव्यांग TV चैनल यहाँ चल रही है, जिसमें पूरे भारत के दिव्यांगों का भारत सरकार की जो योजना है वो हम सब दिव्यांगों तक पहुंचाते हैं। ये एक छोटा सा बीच
रोपा था तब मुझे मालूम नहीं था कि इतना वर्कफोर्स बन जाएगा। आज ये देश के कोई ऐसे नेता नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई धर्म गुरु नहीं है, यहाँ नहीं आ चुके हैं। ये जगह पावन हो गई है और मैं तो कहता हूँ दिव्यांगों का एक तीर्थ स्थान बन गए हैं, जिसमें जो दिव्यांग जो आशा से आते हैं उनकी आशा पूर्ण होती है। ऐसी ये संस्था एक दिव्यांगों का मंदिर बन चुका है। तो दोस्तों, आज हमने कनु भाई सर से एक काफी सारी कुछ अच्छी चीजें हमने जानी है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इनको जो भी अवार्ड और जो भी प्रेजेंट से नवाजा गया है वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। और जैसे हम आगे भी हम देख चुके और आगे हम देखेंगे कि इनकी और क्या उपलब्धियां है। तो सर, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे देश में करोड़ों की आबादी विकलांगता से अभावित है। इन विकलांगजनों को सर उठा के जीना सिखाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तकरीबन 3 दशक से एक ही मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं कनु भाई। वे अपनी मंजिल में बढ़े जा रहे हैं और पीछे कुछ ऐसे कारनामे छोड़ते जा रहे हैं कि उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। उन कारनामों का एक नमूना है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जहां विकलांगजनों के प्राथमिक अधिकार शिक्षा का अति उत्तम प्रबंध किया गया है, जिसके लिए इस स्कूल का निर्माण किया गया है। व्हीलचेयर पर बैठे बच्चों के लिए रैंप की सुविधा है, जिससे वे अपने क्लास तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही लिफ्ट की सुविधा भी हर पल होती है, ताकि बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं उठानी पड़े। फिजियोथेरेपी द्वारा सुधार आने की आशा होती है, वहीं दूसरी ओर पूजा दोनों ही हाथों से पोलियोग्रस्त है। भारत में गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जहां सिर्फ विकलांगों के लिए 1 से 12 तक का स्कूल चल रहा है, और जिसमें भी कनु भाई का बहुत बड़ा योगदान है। श्रीमान कनु भाई टेलर का सम्मान भारत की संवेदनापूर्ण विरासत का सम्मान है। श्री कनु भाई स्वयं भले विकलांग रहे हो, लेकिन वो समाज की विकलांगता दूर करने में बहुत बड़ी मात्रा में योगदान देते हैं। मैं जब राज्यपाल का दायित्व मिलने पर गुजरात आया तो मेरी कनु भाई से भेंट हुई। मैंने उनमें जो उत्साह, जो स्पिरिट, जो उमंग देखी,
वो मुझे बहुत दूर तक स्पर्श कर गई, छू गई। जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया वो उनके कर्तृत्व को देखते हुए बिल्कुल सार्थक है। सब समाज के अंदर जो रहते हैं उसको तो एक बच्चा होता है, दो बच्चा होता है, लेकिन आज मेरे पास 400 बच्चे हैं। और 97 में मैंने 4 बच्चों से एक बच्चों की स्कूल, विकलांग अपाहिज बच्चों की स्कूल चालू किया। मुझे आपकी वाइब्रेशन और आपका आशीर्वाद मेरी शक्ति, मेरी सद्बुद्धि और मेरे कार्य के संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे लिए एक अमूल्य आपकी भेंट हो पाए। भगवे कपड़े वाला फकीर है।